हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ई क्लास। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जल्दी से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि इन क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मिलेगा वो है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी हम ओवरव्यू देखेंगे, उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, कब ये बनाया गया था और किसने इसको बनाया था और क्या क्या हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर आंसर्स जिनके मिल जाएंगे और उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके अपने किसी सिस्टम के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस के ऊपर बनाया गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही अवेलेबल था जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। तो यूनिक्स के मेन फीचर्स को, कई सारे ऐसे फीचर्स थे उनके अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिनको यूज करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था लिनक्स, जिसका नाम रखा गया था। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर यूज होता है, कई सारे डिवाइसेस के अंदर उसको यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, उसके बाद मोबाइल्स हो गए, होम अप्लायंसेस लाइक जो हम घरों में यूज करते हैं, कई सारी ऐसी डिवाइसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, राउटर्स, मॉडम्स, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसी और डिवाइसेस हैं जिनके अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी डिवाइस के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अर्ली 1990s के अंदर डेवलप किया गया था। अगर हम कहें तो 1991 के अंदर लाइनस टॉरवाल्ड्स नाम के पर्सन ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया था। उसके साथ और भी ऐसे प्रोग्रामर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए दिया था, लेकिन जो मेन प्रोग्रामर या मेन पर्सन जिसको बोला जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए वो है लाइनस टॉरवाल्ड्स। 1991 के अंदर 0.02 वर्जन लॉन्च किया था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने, और 1994 के अंदर 1.0 वर्जन जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइनस टॉरवाल्ड्स ने इन्वेंट किया था या उसको लॉन्च किया था बाकी पर्संस को यूज करने के लिए, ताकि और भी पर्संस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकें। जो लाइनस नाम का पर्सन था जिसने इसको लिनक्स को बनाया था वो पहले इसका नाम फ्रिक्स रखना चाहता था, लेकिन बाद में इसका नाम लिनक्स रखा गया। अब इसके पीछे भी आपको कई जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखने को या सुनने को या मिल सकती हैं कि लिनक्स का नाम क्यों रखा गया था। कई जगह पे आप देख सकते हो या पढ़ सकते हो या सुन सकते हो कि लिनक्स का नाम लाइनस और यूनिक्स को मिक्स करके बनाया गया था, क्योंकि यूनिक्स के बेस के ऊपर इसको बनाया गया था और लाइनस ने इसको बनाया था, तो दोनों को कंबाइन करके लिनक्स का नाम रखा गया था। कई जगह पे आप देख सकते हो कि लाइनस के साथ जो और प्रोग्रामर काम करते थे उन्होंने गलती से एक फाइल का नाम, इस फोल्डर का नाम जिसके अंदर पूरा कोड, सोर्स कोड रखा गया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको नाम दे दिया था लिनक्स, जिसकी वजह से इसका नाम आगे यूज जो हुआ वो लिनक्स ही यूज करना इसको शुरू कर दिया गया। उसके बाद आगे अगर देखें तो जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, क्योंकि हमें जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर से, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है, उसको हम यूज करके नया एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई फीचर हमें नहीं ठीक लगता है उसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये सारा पॉसिबल इसीलिए हो पाता है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सोर्स कोड हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल जाता है। सोर्स कोड किसको बोलते हैं? सोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको लिख के कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ कोड का यूज किया जाता है, उस कोड को ही सोर्स कोड बोला जाता है, जिसको पूरे को कंपाइल करने के बाद एक हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसको हम अलग अलग सिस्टम के साथ, अलग अलग
कंप्यूटर्स के साथ या अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि आप कई सारे सॉफ्टवेयर हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसी ना किसी सोर्स कोड से मिलके ही बनाए जाते हैं, जिनको यूज करके वो पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है जिस भी कंपनी ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो सॉफ्टवेयर बनाया होता है। ये सोर्स कोड सिर्फ उन्हीं सॉफ्टवेयर्स का अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर जो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ज्यादा फास्ट है और स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर एट ए टाइम कई सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी मेमोरी यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेमोरी शेयर की जा सकती है मल्टीपल यूजर्स के बीच में, और मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये परफॉर्मेंस इसकी आती है जब हम इसको अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज करते हैं। जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लगभग बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते हो उनके जैसे हरेक फीचर्स इसके अंदर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के वो लिनक्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फंक्शंस देखते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज हम यूज करते हैं उनके अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं, जो फंक्शंस हमें मिलते हैं, जो हम काम करते हैं, वो कई सारे काम ऐसे हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम कर सकते हैं। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कई सारी हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं कि क्योंकि हमें पता ही है अब कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, उसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है, तो अलग अलग कंपनीज जो हैं उस सोर्स कोड को लेके अपने हिसाब से उसमें चेंज करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं और अपने हिसाब से उसको नाम दे देते हैं। उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बोला जाता है कि वो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाते हैं जिनको हम अपने डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए रेड हैट, उसके बाद Ubuntu होता है, Debian होता है और Fedora होता है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जिनको हम अपनी डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री हो गई, ओवरव्यू हो गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि लिनक्स क्या होता है, कब उसको बनाया गया था और क्यों उसको प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या एडवांटेजेस हमें ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर से, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट से, हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, उनका सोर्स कोड भी हमें अवेलेबल होता है, मिल जाता है, जिस सोर्स कोड को हम अंडरस्टैंड करने के बाद उनके अंदर चेंज करके अपने हिसाब से नए फीचर ऐड कर सकते हैं, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, और कुछ फंक्शनैलिटी अगर हमें नहीं पसंद है या हमें नहीं चाहिए तो उसको हम चेंज या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए या अपने डिवाइस के ऊपर यूज करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है ये इंटरनेट के ऊपर। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। अगर हम इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा सिक्योर है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम और लेस प्रोमिनेंट है किसके, वायरसेस के। वायरसेस जो हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वायरसेस अगर आप देखो या उनको सुनो या पढ़ो तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत कम ऐसे वायरसेस हैं जिनको बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि लेस प्रोमिनेंट है वायरसेस के। बहुत कम वायरसेस जो हैं इसके लिए बनाए गए हैं या इसके अंदर आते हैं। उसके साथ साथ और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई सपोज करो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसा वायरस आ भी गया जो एग्जीक्यूटेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, तो उसके लिए उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट करने के लिए। हम उसको अपने हिसाब से डिक्लाइन कर सकते हैं जिससे वो जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ज्यादा इन्फेक्ट
और उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माना जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर हम अगली एडवांटेज देखें तो बहुत ज्यादा स्टेबल भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, आपको बार बार इसको रिबूट करने की जरूरत नहीं होती है, बार बार रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है ताकि इसकी परफॉर्मेंस बनी रहे। हम इसको लगातार यूज कर सकते हैं और सेम परफॉर्मेंस के साथ ये काम करता है। ये कई सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं और सेम परफॉर्मेंस के साथ ये काम करता है। कोई भी ज्यादा मेमोरी के इश्यूज इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं। अगर इसको हम विंडोज के साथ कंपेयर करें तो उसमें हमें पता है कि बार बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है, शटडाउन करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से बनी रहे। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत कम या बिल्कुल भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद जैसा कि हमें पता चल गया है कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, उसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है, तो इसीलिए हम सोर्स कोड को यूज करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये है हम अपनी तरफ से कोई फीचर ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि इसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें चॉइस मिल जाती है लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। चॉइस का मतलब क्या है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि लिनक्स के वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस हमें मिल जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी डिवाइस में ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ। जैसे कि आप फेडोरा अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, उबंटु यूज कर सकते हैं, डेबियन यूज कर सकते हैं या रेड हैट यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में से यूज कर सकते हैं अपनी डिवाइस के हिसाब से, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर अपनी जो आपको फीचर्स चाहिए उसके हिसाब से। अगर हम आगे चलें तो लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट आपको लिनक्स के लिए मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो लिनक्स के सोर्स कोड के ऊपर काम करते रहते हैं ताकि वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें, नए नए फीचर्स उसमें ऐड कर सकें। तो बहुत सारी हेल्प जो है आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चलती है या आप सोर्स कोड के अंदर चेंज कर रहे हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन या हेल्प जो है आपको लार्ज कम्युनिटी से मिल जाएगी। इंटरनेट के ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जैसे कि आपको बताया कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हाई परफॉर्मेंस देता है, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा बार बार इसको रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम परफॉर्मेंस के साथ ये काम करता है। उसके साथ साथ अगर हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा हार्डवेयर अच्छा नहीं है, कम रैम उसके अंदर लगाई गई है, तो उसके अंदर भी हम लिनक्स को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं होती है, ये कम हार्डवेयर के साथ भी अच्छे से काम कर सकता है। जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोर्टेबल का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर है, वो भारी तो होता नहीं है और उसको कैरी करके लेके जाना आसान होता है। हम पेन ड्राइव के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर या फिर किसी और सोर्स के माध्यम से उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोर्टेबल का मीनिंग ये है कि आप अलग अलग टाइप के हार्डवेयर के ऊपर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने ओवरव्यू में भी देखा जब हमने हिस्ट्री पढ़ी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, के लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर यूज होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स के ऊपर भी, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, राउटर्स, मोडम्स, ये अलग अलग सारी डिवाइसेस के ऊपर ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज होता है। इसीलिए इसको पोर्टेबल माना गया है कि अलग अलग हार्डवेयर की डिवाइसेस के ऊपर ये काम कर सकता है। ये कुछ एडवांटेजेस थी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब चलते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर, क्या क्या डिसएडवांटेजेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हो सकती हैं। कोई ज्यादा डिसएडवांटेजेस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है, लेकिन फिर भी जो दो तीन यहाँ पे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला अगर हम देखें तो वो है सॉफ्टवेयर। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपने अलग अलग टाइप के
सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो वो हो सकता है आपको ना मिले। जैसे विंडोज में हमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखें तो वो लिनक्स के अंदर काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अल्टरनेटिव देखना पड़ता है कि अल्टरनेटिव क्या है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकें। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि वो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फोटोशॉप की हम बात कर लें तो वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम नहीं करता है। तो उसके लिए फिर हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं, और हो सकता है वो सेम अल्टरनेटिव हमें ना मिले या वो सारे फीचर्स हमें ना मिले उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उस नए सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हमें मिल जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, के लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हमें इसके अंदर मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हार्डवेयर ड्राइवर्स। अब हमें पता है कि कंप्यूटर के साथ हम अलग अलग डिवाइसेस की यूज कर सकते हैं, अलग अलग हार्डवेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमें ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, जिनकी वजह से ही कंप्यूटर उन हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज कर पाता है, उनके साथ काम कर पाता है। तो ऐसे कई सारे हार्डवेयर हो सकते हैं जिनके ड्राइवर्स आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज्यादातर कंपनीज बनाती हैं। जो कंपनीज जिस कंपनी ने हार्डवेयर कोई भी बनाया होता है, जैसे हम प्रिंटर की बात कर लें, तो हो सकता है उस कंपनी ने सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही उसका ड्राइवर बनाया हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना बनाया हो। तो ये प्रॉब्लम भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है कि हमें अलग अलग जो हार्डवेयर डिवाइसेज हम यूज करते हैं उनके ड्राइवर्स हो सकता है ना मिले लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। जो लास्ट इसकी अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या है? अगर सपोज करो कोई बिगनर है, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शुरू से ना उसके लिए थोड़ा सा आसान रहता है अगर उसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है। उसके कंपैरिजन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगनर के लिए जो शुरू शुरू में कंप्यूटर्स को यूज करता है, तो वहां पे लर्निंग कर्व की एक डिसएडवांटेज मिल जाती है। पर ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है कि हम लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी वजह से यूज ही ना करें, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर को हमें थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ता है, तभी हमें वो आता है कि कैसे उसके अंदर काम करना है। तो ये है पूरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री देखी, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।